सुनेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, किसकी इक्वेशन निकालनी है, सर्कल की, विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, चित्र बना देते हैं, एक सर्कल बना दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो पास करता है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। किस पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट ये कहीं भी लगा दो, एक पॉइंट ये कहीं भी लगा दो। एक पॉइंट क्या है, -2 -2, और एक पॉइंट क्या है हमारे पास, 3 और 4। एक बार चेक करना, -2 2 है या 2 -2 है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन निकालो विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास करता है, किससे और एक इससे, और क्या है, एंड हुज सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। और उस सर्कल का जो सेंटर है, ये रहा सेंटर, वो एक लाइन के ऊपर लाई करता है। ये हो गया एक लाइन के ऊपर लाई, यस और नो, नहीं आई बात समझ में, क्वेश्चन पे ध्यान दो। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन निकालो, हमने एक सर्कल बना दिया, सर्कल के बारे में जानकारी है, विच पासिस थ्रू द टू पॉइंट 2 -2 और 3 -4। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो पास करता है दो पॉइंट से, 2 -2 और 3 -4 से पास करता है, और क्या बोलता है, एंड हु सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, जिस सर्कल का सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, कौन सी लाइन के ऊपर, x + y = 2। कोई दिक्कत भाई, यहां तक समझ में आ गया, चित्र समझ में आ गया। तो अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो याद रखना बच्चों, हमें सर्कल की इक्वेशन पता ही होती है क्या होगी, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आप सबको सर्कल की इक्वेशन पता ही है क्या है, हमें बताइए आंसर है, x - h² + y - k² = r² ये आंसर है हमारा। हमें तीन काम करने हैं, बोलो कौन कौन से, h के r निकालो, ठोक दो आंसर, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, कह रहा सर्कल की इक्वेशन निकालो, सर्कल की इक्वेशन निकालो, तो हमें पता चले सर्कल की इक्वेशन x - h² - y - k² = r² आंसर है। तीन काम करने हैं, क्या निकालना, एच के और इस सर्कल की इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है भाई। अभी जो फर्स्ट सर्कल है वो कौन से पॉइंट से पास करता है, 2 - 2 से, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। और ये सर्कल जो है वो कौन से पॉइंट से पास करता है, इससे, ये पॉइंट भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। कोई दिक्कत भाई, यस और नो, सर्कल पासिस थ्रू कौन सा पॉइंट, 2 - 2 एंड किससे पास करता है, 3 और 4, तो दोनों पॉइंट इसको क्या करने वाले हैं, सेटिस्फाई, करा दो सेटिस्फाई। तो x की जगह क्या रखोगे, 2 - h² + y की जगह क्या रखोगे, -2 - k² कोई दिक्कत, = r² इस सर्कल इस पॉइंट से पास करता है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर सर्कल इस पॉइंट से भी पास करता है, ये पॉइंट भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। x की जगह 3 - h² अरे हाँ, प्लस फिर क्या है, और y की जगह क्या, 4 - k² = r² कोई दिक्कत किसी को, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दो सेकंड, इसको नाम दे दो थर्ड, कोई दिक्कत भाई। और क्या खास बात है, और कुछ दे रखा है, सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सेंटर क्या है सर्कल का, एच के, यस और नो। तो एक और कंडीशन दे रखी है कि सेंटर एच के लाई ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, x + y = 2। तो सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। x की जगह क्या, h, और y की जगह क्या, k = 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, कितनी इक्वेशन आ गई, 4। अब इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को सिंप्लीफाई करके, तीन इक्वेशन है, तीन वैल्यू निकालनी है, तीनों वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर रहे करें, देखते रहना। पहले सॉल्व कर देते हैं 2 और 3 को, सॉल्विंग 2 और 3 करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं अभी, 2 - h² होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, इसमें से अगर माइनस अंदर ही कॉमन लोगे तो स्क्वायर उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, 2 + k² होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में भाई, माइनस इधर भी है, माइनस इधर ही, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया इसके अंदर ही, तो माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 2 + k हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सीधा लिख देते हैं क्या, 2 + k² होल स्क्वायर = r² और दूसरी इक्वेशन को लिख देते हैं एक बार, 3 - h² + 4 - k² = r² इसको सॉल्व कर दें, कुछ नहीं करना, माइनस कर दो, माइनस माइनस एंड माइनस, आता ना,
कर दो माइनस 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 एंड माइनस करो माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड प्लस ये प्लस दिस माइनस दिस एंड 2 प्लस के का होल स्क्वायर एंड माइनस क्या 4 माइनस के का होल स्क्वायर और इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगा कट जाएगा इक्वल्स टू क्या 0। कोई दिक्कत, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो, ध्यान से लगाना है ठीक है। ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 बी प्लस का एच स्क्वायर फिर क्या होगा माइनस 2ab तो माइनस 4h। क्लियर है भाई? इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन आगे माइनस है तो उसके साइन भी चेंज करेंगे बाद में, एक साथ कर दें। समझ रहे हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस है साइन चेंज हो गया ना, इकट्ठा ही कर देंगे। ए स्क्वायर कितना आएगा 9, माइनस है तो आगे क्या आएगा माइनस 9। फिर प्लस का बी स्क्वायर एच स्क्वायर फिर माइनस है तो माइनस का एच स्क्वायर फिर आएगा माइनस 2ab यानी कि माइनस 6h, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6h। हाँ या ना? पक्की बात है भाई? नहीं आई बात समझ में? अरे फॉर्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके साइन भी चेंज कर दिए साथ के साथ। इधर लगा दो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बोलो 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2ab 4k। कोई दिक्कत? इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और साथ के साथ क्या कर देंगे साइन भी चेंज कर देंगे, ध्यान में रखा इस बात को ठीक है। तो क्या होगा ये ए स्क्वायर 16 यानी कि माइनस का 16 एंड प्लस का बी स्क्वायर तो माइनस का के स्क्वायर और क्या होगा माइनस 2ab तो प्लस का हो जाएगा कितना 8k इक्वल्स टू क्या 0। कोई दिक्कत भाई किसी को? कुछ कटे तो काट दो, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले h वाली टर्म देख लो, माइनस का 4h, माइनस का 4h प्लस का 6h क्या आ गया प्लस का 2h ठीक है भाई। और अब k वाली टर्म देख लो, 4k और 8k कितना हो गया प्लस का 12k। आया ना? कांस्टेंट टर्म देख लो, ये देखो 4 और 4 8, 8 में से 9 गया माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 16 माइनस का 17 इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 17। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? पक्का ना? कैलकुलेशन सही होनी चाहिए भाई। इसको बोल दो एक इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 5th। अब देखो एच और के की टर्म में एक इक्वेशन ये रही, एच और के की टर्म में एक इक्वेशन ये रही। 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड, जैसे 10th क्लास एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे वैसे किसकी वैल्यू निकाल देंगे एच और के की। हाँ या ना? तो सॉल्विंग सॉल्विंग किसको 4th एंड 5th को कर दे करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 4th है हमारे पास h प्लस k इक्वल्स टू कितना 2 और दूसरा क्या है 2h प्लस 12k इक्वल्स टू क्या 17। बोलो कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे 2h है यहाँ पे भी 2 बना लो, कैसे बनाओगे? इसको 2 से कर दो क्या मल्टीप्लाई, इक्वेशन क्या हो जाएगी 2h प्लस 2k इक्वल्स टू क्या 4 और ये ऐसा कैसा 2h प्लस 12k इक्वल्स टू क्या 17। कर दो सिंप्लीफाई इसको, माइनस माइनस एंड माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कितना आ गया माइनस का 10k और ये कितना आ गया माइनस का 13, ये कट गया। अरे हाँ या ना? 10 को नीचे ले जाओ तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 13/10 तो k बराबर क्या हो गया इसको क्या लिख सकते हो 1.3 तो k निकल गया, निकल गया k। अभी क्या निकालना बाकी है बोलो? h कैसे निकलेगा? k की वैल्यू किसमें पुट कर दो 4th में, 4th या 5th किसी में पुट कर दो जो आसान लगे। पुट k इक्वल्स टू 1.3 इन कहां पर 4th में कर देते हैं, कर दे 4th में। 4th क्या हमारे पास h प्लस k इक्वल्स टू क्या 2 तो k की जगह रखना है 1.3 तो h प्लस 1.3 2 इसको उधर ले जाओ तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1.3 तो h बराबर क्या हो जाएगा बोलो 0.7। h भी निकल गया, अभी क्या निकालना रह गया r रह गया निकालना, समझ में आ रहा है? तो r कैसे निकलेगा बोलो? किसी में भी पुट कर दो, इसमें सेकंड में या थर्ड में या फर्स्ट में, तो आंसर रखना है सारी वैल्यू पुट करनी है तो थर्ड में कर दो, थर्ड आसान है ना, या सेकंड में कर दो
जहां मर्जी कर दो, तुम्हारी मर्जी है। कहां करूं? थर्ड में, क्योंकि नेगेटिव आपको फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, इसलिए इसमें कर देते हैं। तो पुट एच इक्वल्स टू कितना आया था? 0.7 एंड के इक्वल्स टू कितना आया? 1.3 इन कहां पर? इक्वेशन थर्ड। किसी में भी कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, पता है तो रख दो। थर्ड इक्वेशन क्या है? 3 - h का होल स्क्वायर प्लस 4 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 8 स्क्वायर। चलो रखते हैं 3 - h, h कितना है? 0.7 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 - k, k कितना है? 1.3 का होल स्क्वायर बराबर क्या? 8 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 में से ये गया तो कितना आएगा बोलो? 2.3 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना आएगा? 4 में से 1.3 गया तो 2.7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 8 स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 23 करोगे तो 3 * 9 और 2 * 6 3 * 9 और 2 * 6 कितना होगा भाई? 5.29 प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 7.29 इक्वल्स टू क्या? 8 स्क्वायर। प्लस करो 7 * 5 = 12 कितना आ गया? 58 इक्वल्स टू कितना आ गया? ये 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर ही निकालना था हमें, सीधा आर स्क्वायर ही तो चाहिए इक्वेशन में। अब हमारे पास सारी वैल्यू जो आई है वो कहां पे पुट कर दोगे फाइनली? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट एच कितना है? 0.7। एच कितना था? एच 0.7। एच 0.7 एंड के 1.3 एंड आर स्क्वायर 12.58। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट कर दो इन कहां पर? ये फर्स्ट में कर दे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है लिख देते हैं, चलो एक बार। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? r स्क्वायर। पुट कर दो इसमें x माइनस h, h कितना है? 0.7 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस k, k कितना है? 1.3 का होल स्क्वायर एंड r स्क्वायर सीधा ही निकाल रखा है तो 12.58। This is the final answer. इसको जनरल फॉर्म में नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि पहले इतनी बड़ी कैलकुलेशन है और जनरल फॉर्म में लिखे और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे, बुक वाला भी ऐसे छोड़ेगा। समझ में आ गई बात भाई, क्या किया मैंने?